Hello everyone, this is our second video of chapter 1, Nutrition in Plants. In previous video, we have read about what is photosynthesis and what are the requirements for it. Now, in this video, I will explain you with the help of different activities that how these are required. First activity, we will see that how carbon dioxide is necessary for the process of photosynthesis. In the second activity, we will understand that how chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. And in the third activity, I will explain you that how sunlight is necessary for the process of photosynthesis. So, one after another, with the help of the book, we will understand about these three types of activity. And here we will understand a specific test that is called starch test. Starch test mein kya hota hai? Isme starch mein hum iodine test karte hain. Iska matlab ye hota hai ki agar starch jo hai wo present hai to iodine ka jo reddish brown color hota hai wo bluish black ho jata hai. Aur agar starch wo present nahi hai to जब आप आयोडीन की कुछ ड्रॉप डालते हो तो उसका रेडिश ब्राउन कलर जो होता है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होता, इसे हम स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट कहते हैं। दूसरी एक और चीज जो हम इस एक्टिविटी में आपको समझाने वाले हैं वो क्या है कि जब हम डीकलराइज करते हैं लीव्स को, लीव्स का जो क्लोरोफिल है उसको हटाने के लिए हम उसे एल्कोहल में बॉयल करते हैं, तो एल्कोहल जो होता है हाईली वोलेटाइल होता है जबकि और फ्लेमेबल होता है, जल्दी से इनफ्लेमेबल होता है मतलब जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। हम जो है वो कभी भी एल्कोहल को डायरेक्ट हीट नहीं करते, हम एल्कोहल को क्या करते हैं एक वाटर बाथ के अंदर, यानी एक बीकर में जो वाटर लिया गया उसके अंदर हम वो वाटर जो है वो गर्म होता है, उस गर्म पानी के अंदर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कोहल रखते हैं, उसके अंदर लीव को डाल देते हैं, तो इस तरीके से वो डीकलराइज होगा। तो हम यहाँ पर एल्कोहल को जो है वाटर बाथ के अंदर हीट कर रहे हैं। सो हियर वी आर स्टार्टिंग दीज एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर वी विल अंडरस्टैंड। इन दिस फर्स्ट एक्टिविटी वी आर शोइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दिखाने के लिए हमें कुछ थिंग्स रिक्वायर्ड है एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर। वॉट आर दीज? अ वाइट माउथ ग्लास बॉटल, अ पोटेड प्लांट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, एल्कोहल, वाटर, बुनसन बर्नर और रबर कॉर्क, वायर बॉल, ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर, अ ड्रॉपर एंड आयोडीन सोल्यूशन। इस एक्टिविटी को करने से पहले हमें सबसे पहले एक पोटेड प्लांट लेना होता है और इस पोटेड प्लांट की एक लीफ को एक बॉटल के अंदर इस तरीके से इंसर्ट हम कर रहे हैं, उसके अंदर लीफ अभी भी जो है वो प्लांट से जुड़ी हुई है, हम उस लीव का आधा पार्ट जो है वो बोतल के अंदर रखते हैं, उस बोतल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भरा हुआ है और आधा पार्ट उस लीव का जो है उस बोतल के बाहर है। अब उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है कि अगर लीव के रेस्पिरेशन से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से प्लांट उस लीव का वो पार्ट जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोतल के अंदर है उसे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती है। नाउ वी विल कीप होल दिस सेटअप फॉर 3 to 4 days इन सनलाइट। सनलाइट में रखने के बाद उसमें जो है वो फूड प्रिपेयर होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। आफ्टर 4 days वी विल प्लक दैट लीफ, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में उसका आधा पार्ट डाला गया था, उस लीफ को तोड़ करके एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर उसे पहले वाटर बॉयल करते हैं और उसके बाद एल्कोहल में बॉयल करते हैं। एज यू आर ऑलरेडी टोल्ड दैट वी विल नेवर बॉयल एल्कोहल डायरेक्टली, तो हम उसे वाटर बॉथ के अंदर, वाटर बॉथ में मतलब बीकर में, जैसे आप देख रहे हो बीकर के अंदर वाटर रिफिल है और उसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब को रखते हैं जिस टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल रखा हुआ है और लीक जो होती है वो उस एल्कोहल के अंदर इमर्ज होती है। इन दिस मैनर वी बॉयल द लीक इन द एल्कोहल। आफ्टर बॉइलिंग दिस लीफ विल बिकम डीकलराइज। अब उस डीकलराइज यानी जो कलरलेस लीफ है उसको हम पानी से साफ धो लेते हैं। आफ्टर रिंसिंग इन वाटर वी विल पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन दिस लीफ एंड वॉट यू ऑब्जर्व, लीफ का वो पार्ट जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर था वो ब्लू ब्लैक नहीं होता है और द रिमेनिंग पार्ट विच वाइज आउटसाइड ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोटल इट हैज बिकम ब्लू ब्लैक। तो ब्लू आयोडीन सोल्यूशन जो होता है वो स्टार्च के प्रेजेंस में अपना कलर ब्लू ब्लैक बना देता है, रेडिश ब्राउन से आयोडीन का कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। एंड
this shows that the presence of starch is here, yani iske andar starch bana hai. Ab इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए नेसेसरी होती है. नाउ वी रीड अबाउट नेक्स्ट एक्टिविटी एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर. एक्टिविटी टू, इट शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फॉर डूइंग इट वी विल प्लक अ वेराइगेटेड लीफ ऑफ अ प्रोटॉन प्लांट. उस प्रोटॉन प्लांट की जो वेरागेटेड लीफ है उसको हम सेम वैसे ही पहले पानी में बॉयल करेंगे और फिर एल्कोहल में बॉयल करते हैं. आफ्टर दैट वी विल वॉश दैट डीकलराइज लीफ और उस डीकलराइज लीफ के ऊपर हम कुछ आइडेंटिटी ड्रॉप डालते हैं. एंड व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज अर्लियर ग्रीन इन कलर एट इट हैज बिकम ब्लू ब्लैक एंड द रिमेनिंग पार्ट इज नॉट चेंज्ड टू ब्लू ब्लैक. जो पहले जो है वो ग्रीन नहीं था, नॉन ग्रीन पार्ट जो था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा हूँ मैं कि द पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज ग्रीन इन कलर वॉज हैविंग क्लोरोफिल एंड दैट ओनली कन्वर्टेड इन टू ब्लू ब्लैक. दैट मीन्स स्टार्च इज फॉर्म ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज ग्रीन. इट मीन्स दैट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ द थर्ड एक्टिविटी, इन दिस एक्टिविटी थ्री वी आर trying to show that sunlight is necessary for photosynthesis. As you are seeing in this picture, first of all, we will take a potted plant and we will keep it, this plant, in dark room for 2 to 3 days. And due to this, all the leaf will become de-starched. यानी उसके अंदर जितना भी स्टार्च बना था वो प्लांट बॉडी से काम आ गया और रिमेनिंग जो लीव्स होती है, अब जो लीव्स है वो डिस्टार्च हो चुकी है. अब हम ऐसे ही पोटेड प्लांट को सनलाइट में रखा, अब इस प्लांट को वाटर भी मिल रहा है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है और सनलाइट अभी पूरे प्लांट को प्रेजेंट अवेलेबल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल हो रही है. अब हम क्या करेंगे, इसकी एक लीफ कोई भी हमें सेलेक्ट करते हैं, उसकी लीफ के ऊपर दोनों तरफ ऑन बोथ साइड अपर एंड लोअर दोनों साइड जो है हम इसके ब्लैक कलर की पेपर स्ट्रिप जो होती है वो लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ यू पिंस और कैसे भी हम उसको लगा देते हैं, ताकि उस लीफ का वो पार्ट जो होता है उसको बिल्कुल सनलाइट नहीं मिलेगी जो उस ब्लैक पेपर से कवर्ड होता है. नाउ वी विल कीप दिस सिस्टम फॉर फ्यू आवर्स एंड आफ्टर दैट वी विल प्लक द लीफ दैट लीव विच वॉज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, जिसका कुछ पार्ट जो ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर्ड था, कुछ पार्ट जो है सनलाइट के लिए एक्सपोज था. तो हम ऐसे लीव को जो है वो तोड़ करके फिर से पहले वाटर बॉयल करते हैं, फिर उसको एल्कोहल में बॉयल करते हैं. अब लीव डीकलराइज हो चुकी है, नाउ वी विल वॉश इट विद वाटर एंड आफ्टर दैट वी विल पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट. वॉट वी ऑब्जर्व, लीव का वो पार्ट जो ब्लैक कलर से कवर्ड था केवल वो ही ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, बाकी रिमेनिंग पार्ट पूरा ब्लू ब्लैक हो चुका है. This shows that sunlight is necessary for the process of photosynthesis. Thank you.